दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी के समय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स जो है काफी संख्या में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, ऐसे में एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एक डाटा एंट्री जॉब्स करने के लिए, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस कम्प्लीट वीडियो में बहुत ही कम समय में हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक एजुकेशन एंड कंप्यूटर स्किल एजुकेशन, ये दो चीज आपको होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्यों में आपका जॉब छिपा हुआ है। ये क्यों का जवाब आप जान जाते हैं तो आप रुचि से आप ये एजुकेशन हासिल भी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें बेसिक एजुकेशन के अंडर में, तो राइटिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, आपकी लिखावट लिखने की ढंग पहले से होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, इमेज ड्राइंग, आप कोई एक साधारण सा इमेज को ड्रॉ आसानी से कर लेते हो, ऐसा आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि डाटा कई एक प्रकार से आपके पास आते हैं, इसलिए ये तीनों प्रकार की नॉलेज आपको होना ही चाहिए। और लास्ट में बात कर ले कि आपको इन सारे डाटा को सजाने का ढंग यानी अरेंजमेंट स्किल होना चाहिए। मैं यहाँ पे फूलों की सजाने की बात नहीं कह रहा, मैं तो बस एक सजाने के ढंग की बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए। बस दोस्तों, इतने में आपकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होती है और ये आप हासिल कर सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट स्तर तक पढ़ाई करके। दोस्तों, एज लिमिट भी बात कर ले तो 18 से 37 वर्ष की उम्र वाले लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी नॉलेज पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन अब दोस्तों कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग आ रही है, क्योंकि अब जमाना फास्ट हो गया है। ऐसे में पेपर पे आप जितने देर में एंटर करोगे उसके कई अंश सेकेंड में ही आप कंप्यूटर से काम कर लोगे, इतना फास्ट हो गया है कंप्यूटर। तो जैसे कि दोस्तों, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ डिवाइस की जानकारी होनी चाहिए जो कि जरूरत है उनको, जैसे कलम के बदले में आप कीबोर्ड से ही एंटर करेंगे ना, ऐसे में डिवाइस नॉलेज होना चाहिए। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को। ऐसे में इनपुट डिवाइस आप कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे कीबोर्ड है जो कि आपके कलम के बदले में ये इनपुट डिवाइस है। वैसे कलम भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है, और माउस भी आप देख रहे हैं, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट कहने का मतलब है आप जिससे डाटा को इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, यानी डाटा को एंटर कर सकते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे दोस्तों आप डाटा एंटर कर लेते हैं तो उस डाटा की सजाना, उसको सही ढंग से एंटर करना, सही ढंग से सजाना, इसके लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट की बेहतर नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल की तो और भी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, आपकी डाटा जैसे कंप्यूटर में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको या तो ईमेल इंटरनेट से भेज सकते हैं, या फिर उस डाटा को पेपर के माध्यम से आप प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। ये रही आपकी आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट समझ गए। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी इन सारी चीजों के लिए, स्किल के लिए आपको कंप्यूटर का कोर्स आना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, यानी 6 मंथ का DCA करें या फिर ADCA। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।